अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अजीब महसूस हो रहा है गुरु भैया। पापा तो यही है, राधिका नजर नहीं आ रही कहीं पे। वैसे कल ही ने बताया था कि राधिका ने भी व्रत रखा। एक तरफ राधिका ने मुझे डिवोर्स पेपर्स भेजे, दूसरी तरफ मेरे नाम की मेहंदी लगा रही है, व्रत रख रही है। चल क्या रहा है उसके मन में, पापा को दिखाने के लिए दिखावा है या कुछ और? गौरी शंकर भगवान की जय, तीज मैया की जय। सबके सुहाग तो आ गए हैं, अभी माता जी की कृपा से सब अपने पतियों से व्रत खुलवा ले। सुजाता, राधिका अभी तक नहीं आई, अगर जग्गू को राधिका नहीं दिखी ना परेशान हो जाएगा वो। माँ जी, वैसे भी तो राधिका नाटक ही कर रही है ना, ऐसे त्योहार में पूजा का नाटक करवाना ठीक नहीं है। हम एक काम करते हैं, मुन्ना के पापा के साथ अपना व्रत खोल लेते हैं, रानी भी पीछे रहकर दिव्यम के साथ अपना व्रत खोल लेगी, इनको पता भी नहीं चलेगा। और वैसे भी राधिका को तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, वरना यहाँ होती वो। ठीक है, ऐसे ही कर लो। दिव्यम जी, हमारा रिश्ता भले ही कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर हो, पर हूं तो मैं आपकी पत्नी हूं, ये व्रत आपको ही खोलना है। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। गोलू जी, जल्दी पानी पिलाइए ना, हमसे और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, जल्दी। हाँ भाई। अरे जल्दी करो, जल्दी व्रत खुलवाओ। आप मुझे अपने हाथों से पानी पिलाइए। हमारा व्रत अधूरा रह गया, और आपकी ही ना तो यही से।
पीछे हम ही पीछे। माफ कीजिएगा भैया, हमारा सांप गलती से हाथ से निकल आपके घर में आ गया। कोई नहीं, इसको हम अभी उठाकर ले जाते हैं, आप टेंशन मत लीजिए एकदम। अरे ऐसे कैसे छूट गया, घर में पूजन चल रही है, किसी को काट देता तो। अरे भैया आप निश्चिंत रहिए, हम उसको अभी तुरंत पकड़ते। वाह, सांप भी एकदम सही जगह गया है। बस ये मुझे उस राधिका से मुक्ति दिला दे तो मैं गंगा नहाऊं। अरे आप लोग कितना काहे घबरा रहे हैं, हम बोले ना सांप को पकड़ के ले जाएंगे, रुक जाइए थोड़ा सा। पकड़ लेते ना आप भैया, चलिए। ये लोग तो पलंग खोल रहे हैं, अब क्या करूं? राधिका, राधिका, माँ सांप छोड़े राधिका यहाँ बेहोश पड़ी हुई है। राधिका राधिका उठो बेटा, मुन्ना हट जा बेटा, सांप आ सकता है। राधिका बोलो भैया मदद करो। राधिका आराम से, आराम से बेटा। गोलू भैया जल्दी से पानी लेके आइए, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी ठीक है ना देवरा? ये पानी दे। चुपचाप पानी पियो। खड़े खड़े देखती रहोगी क्या? चक्कर आने का नाटक करो। अरे सांप नहीं देख रही हम, सांप आपके पैर के पास। सांप सांप
रानी, रानी बेटा, रानी बेटा उठो, क्या हो गया? माफ कीजिएगा, अब हम चलते हैं। जाओ जल्दी जाओ। रानी, रानी बेटा, अरे कोई पानी लेकर के आओ, उसे पानी पिला दो। मुन्ना, कली भाभी, आपने मुझे पानी क्यों पिलाया? अरे किसी को बचाना ही था, तो राधिका दीदी को पिला देती ना। क्या बात हुई? नहीं देवरानी जी, अब आपको कुछ हो जाता तो अब आप तो इस घर की बहू है ना, और हमारी नई देवरानी जी भी आप ही है, तो घर वाला तो घर वाले इंसान को ही बचाएगा ना सबसे पहले, तो इसलिए हमने आपको पानी पिला दिया। आज तुमने सारी हदें पार कर दी राधिका, लापरवाही की। अगर सांप नहीं आता यहाँ पे तो हमें कैसे पता चलता कि तुम बेड बॉक्स में बंद हो? सोचा है कभी? जी, हम खुद से अंदर जाके नहीं छुपे थे, हम तो बस गद्दा निकालने के लिए आए थे, फिर तरीके से अचानक से लाइट चली गई और हमें ऐसा लगा जैसे किसी ने हमें अंदर धक्का दे दिया। धक्का दे दिया मतलब? किसने धक्का दिया? पता नहीं, बहुत अंधेरा था इसलिए हम देख नहीं पाए। अरे इतना आंधी तूफान चल रहा था, ये भी तो हो सकता है ना राधिका दीदी, कि आप शायद हवा के झोंके से गिर गई हो। रानी जी, हम इतने भी हल्के नहीं है कि हवा के झोंके से गिर के बंद हो जाएंगे। अपनी गलती छुपाने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बनाना बंद करो राधिका। सुबह से कुछ खाया नहीं है, इस वजह से चक्कर खा करके गिर गई होगी। राधिका, तुमने व्रत रखा है? हाँ माँ जी, मुन्ना के पापा को खुश करने के लिए इसने व्रत रखा था। लेकिन राधिका, तुम ये मत भूलना कि ये सब कुछ एक नाटक है। आम खा त्योहार वाले दिन आफत खड़ी करती। ये तो भोलेनाथ के सांप की कृपा से अनहोनी डल गई, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। अब जाओ जाकर के कुछ खा लो, ना पता चले मेहमानों को छोड़ करके तुम्हारी खातिरदारी में लगना पड़ेगा। हाँ पुरानी देवरानी जी, अब देवर जी के हाथों आपका व्रत टूट ही गया है, तो अब तो आप खा ही सकती है, और नई देवरानी जी का व्रत हमने तोड़ दिया, तो हम सब चल के खाते है ना। लिए ना, चलो आइए। मैं गया भी था उस कमरे में, खिड़कियां तक बंद की मैंने मां की, तो फिर महसूस क्यों नहीं हुआ कि राधिका मुश्किल में? जब लगा कि किसी ने आवाज दी है मुझे, क्यों नहीं समझा राधिका को कुछ हो जाता तो? राधिका, तुमने व्रत रखा है? राधिका ने मेरे लिए व्रत क्यों रखा है? रिश्ता तो उसी ने तोड़ दिया ना, तो फिर ये व्रत, ये हाथों में मेहंदी मेरे नाम की, ये सब नाटक क्यों है? ये सब नहीं चलेगा, मुझे उससे बात करनी होगी। पापा जी, आपकी पैरों की मालिश के लिए ना हम लौंग अजवाइन डाल के सरसों का तेल लाए हैं। पापा जी,
इस तेल की मालिश से ना जैसे आपके हाथों में हरकत है वैसे ही आपके पैरों में भी हरकत शुरू हो जाएगी। पापा जी आप ना अपनी इच्छा शक्ति को ऐसे ही जागरूक रखिएगा जैसे उस दिन आपने अपनी पूरी इच्छा शक्ति से खड़े होकर हमें रोका था ना, और आज आज तो आपने अपना हाथ उठाकर हमें आशीर्वाद दिया। अगर आप अपने मन में ठान लेंगे ना तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियाँ भूल गए थे ना वैसे शायद आप भी भूल गए हैं कि आपको कसरत करना चलना फिरना कितना ज़्यादा पसंद है। लेकिन हमें यकीन है जैसे ज़रूरत पड़ने पर हनुमान जी ने अपनी शक्तियाँ जागरूक की थी वैसे ही आप भी ना अपने मनोबल से अपनी शक्तियाँ ज़रूर जागरूक कर लेंगे। राधिका पापा को मालिश मैं कर देता हूँ ना। दिव्यम जी हम बोलने जा रहे थे कि कटोरी गर्म है लेकिन आप भी ना जरा सा सब्र नहीं है ऐसे ही उठा लिया ये फिजूल में हाथ जला लिया अपना। अच्छा आप लोग हम आते और यहाँ तेल गिरा है तो हिलिएगा मत यहाँ से। कैसा शोर है ये मुन्ना ये तेरा हाथ कैसे जल गया बेटा तू तेल क्यों लगा रहा था राधिका कहाँ है। राधिका ही मालिश कर रही थी मैंने सोचा मैं उसकी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। दिव्यम जी लाइए हम आपके हाथ में जल लगा देते हैं। जग्गू के सामने राधिका को ही करने दो। इस बुड्ढे का काम तमाम करना ही होगा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अरे ये क्या हो रहा है सुबह सुबह घर में लुभान कौन दिखा रहा है। अरे दादी जी हम हैं। कली सुबह सुबह तुम में कौन सी बात आ गई है। अरे सास जी माता ना आए इसलिए तो पूरे घर में धुआं धुआं कर रहे हैं हम। दा, 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 दा। मतलब दादी सास जी हमारे गांव में ना हमारी मौसी को कालकूटनी माता आ गई है। कालकूटनी माता। हाँ चाची सास जी कालकूटनी माता और वो जिस पर भी आती है ना उसका दिमाग फिर जाता है और वो कुछ भी कर सकता है। अगर उन्हें खुश रखा गया तो घर का भला होता है और अगर उन्हें थोड़ा भी गुस्सा दिलाते हैं ना तो पूरे घर का सर्वनाश हो जाता है। हाँ वैसे कली ये माता आती कैसे है। सास जी हमारी माँ तो बता रही थी कि माता किसी पर भी कभी भी आ सकती है अब उनकी मर्जी ना। सुना तो मैंने भी है ये सब लेकिन शहरों में नहीं होता ये। अरे नहीं नहीं दादी सासी होता है हमारी आंटी है ना पड़ोस वाली शर्मा आंटी उन पर भी यही माता आ गई थी इसलिए हम पूरे घर में दुआ करें। आप ही लीजिए। अरे हटाओ कली क्या कर रही हो अस्तमा है मुझे समझा इसे। काल कूटनी माता का तो पता नहीं पर पापा जी का काल आज जरूर कटेगा। उसने कहा था वो ठीक 9 बजे सामान अंदर फेंक देगा। कैसी आवाज थी। मैडम को बोल देता हूँ कि पैकेट फेंक दिया है। क्या पैकेट फेंक दिया। हाँ ठीक है ओके।
राधिका दीदी, क्या ढूंढ रहे हैं आप? कुछ गिरने की आवाज आई थी, बस वही देख रहे थे कि क्या है। अरे वो पड़ोस में नारियल का पेड़ है ना, तो वहां से नारियल गिरा होगा। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। राधिका दीदी, चलिए मैं आपके कपड़े सुखाने में मदद कर देती हूँ। आप चलिए ना, चलिए। वैसे एक बात पूछें, आपकी और गगन जी की शादी कौन से मंदिर में हुई थी? आप वो पहाड़ी वाले शिव मंदिर पे? पहाड़ी में तो देवी माँ का मंदिर है, शिव मंदिर नहीं है। रानी जी कुछ तो छुपा रही है। चुपचाप लड्डू खा ले बुढ़िए, तुझे ये अफीम वाले लड्डू खाने ही होंगे। दसम जी, हमारे पास अभी कुछ भी समझाने का समय नहीं, आप इस हमारे साथ जल्दी से चलिए। आई है